एवरीवन, आज हम बात करेंगे विंटर्स वेट लॉस प्लान के बारे में। वेट लॉस को लेके बहुत सारे लोग ऐसा सोचते हैं कि शायद हमें क्रैश डाइट करना पड़ेगा या हमें भूखा रहना पड़ेगा, बट जो वेट लॉस होता है वो बहुत खा पी कर आपको करना पड़ता है। वेट लॉस का मतलब ये होता है कि अगर आप कोई भी डाइट फॉलो कर रहे हो तो आपने इसका मीनिंग आपको हेल्दी ईटिंग को अपनाना है, आपको कम नहीं खाना है। ओके, सो आज हम बात करेंगे विंटर वेट लॉस प्लान के बारे में, जो मैं भी खाती हूँ, जो मेरे क्लाइंट्स लेते हैं, क्या क्या चीज़ें आपको खानी चाहिए, क्या क्या चीज़ें आपको इंक्लूड नहीं करनी चाहिए, और विंटर्स में क्या क्या चीज़ें लेना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है जो आपको भी अपनी डाइट में ज़रूर ऐड ऑन करनी चाहिए। ओके, सो विंटर्स में सबसे पहले सुबह उठ के आपको लेना चाहिए गर्म पानी, 2 ग्लासेस गर्म पानी उठते ही आपको लेना है। जैसे ही आप बेड से उठते हो तो 2 ग्लास गर्म पानी लें। उस पानी को आप रात को बना के रख सकते हो, कभी आप हल्दी का पानी ले सकते हो, कभी आप लौंग का पानी लीजिए, कभी आप सिनेमन का पानी ले सकते हो। तो ऐसे डिफरेंट डिफरेंट वाटर्स आप लोग ट्राई कर सकते हो। जीरे का पानी नहीं लेना होता, आप सौंफ का पानी ले सकते हो, आप गार्लिक का पानी ले सकते हो। ये चीज़ों को रात को आपने कुछ ना कुछ एक चीज़ आपको ऐड ऑन करनी है किसी भी पानी में, तो उसको रात को सोक करके रख देना है एंड नेक्स्ट मॉर्निंग उसको थोड़ा सा वार्म करना है और उसको कंज्यूम करना है। पर डेली अगर आप डिफरेंट डिफरेंट लोगे तो वो आपकी हेल्थ के लिए बहुत ज्यादा बेनिफिशियल होगा और आपकी ओवरऑल हेल्थ के लिए बहुत ज्यादा अच्छा होगा। ओके, सो आप ऐसे अपने वाटर्स को इंजॉय कर सकते हो। तो ऑन राइजिंग सुबह उठते पहले 2 ग्लास पानी लें, कोई भी हर्ब्स आप उसमें ऐड ऑन कर सकते हो। उसके बाद आफ्टर 30 मिनट्स, जैसे आप फ्रेशन अप होने के लिए जाते हो, आफ्टर 30 मिनट्स आप ले सकते हो कोई भी हर्बल टी। अगर आप टी लवर हो तो आप टी भी ले सकते हो, बट 1 आवर का गैप ज़रूर रखो। बट कोई भी बिस्किट्स, कोई भी नमकीन साथ में कंज्यूम मत करो। अगर आप ग्रीन टी ले रहे हो, टी ले रहे हो, तो साथ में आप अपने ड्राई फ्रूट्स ले सकते हो, सीड्स ले सकते हो। ड्राई फ्रूट्स में आपको भिगोए हुए 5 बादाम, 1 वॉलनट, जो कि आपको रात को ही सोक करना है एंड नेक्स्ट मॉर्निंग उसको कंज्यूम करना है। ओके, अगर आपको ये सब सुबह लेना पसंद नहीं है तो आप साथ में 1 हैंडफुल, मींस इतना हाथ मुट्ठी भर के आप रोस्टेड मखाना ले सकते हो घर का बना हुआ, या फिर आप अपने घर के बने हुए लड्डू ले सकते हो, पिन्नी ले सकते हो, जो हम अभी विंटर्स में हम लोग सब ऑलमोस्ट बनाते हैं घर पे। अगर आपको कोई भी लड्डू की रेसिपीज नहीं आती है तो आप मेरे फेसबुक चैनल पे या फिर मेरे यूट्यूब चैनल पे मेरी वीडियोस भी देख सकते हो, जिसमें मैंने एप्पल पाई लड्डू की रेसिपी भी ऐड ऑन की है एंड और भी एक दो लड्डू की रेसिपीज है, तो आप वहाँ पे भी चेक कर सकते हो। फिर उसके आफ्टर 40 मिनट्स आपको करना होता है ब्रेकफास्ट। जो भी ब्रेकफास्ट बनाओ उसमें ऑयल, घी ये सब ज़रूर ऐड ऑन करो, बिकॉज विंटर में घी लेना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है, क्योंकि विंटर में ऑलरेडी आपकी बॉडी जो होती है वो ड्राइनेस उसमें आ जाती है। सो विंटर्स में देसी घी को ज़रूर ऐड ऑन करो, बिकॉज वो आपकी ओवरऑल हेल्थ के लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल है। आप उसमें क्या क्या ले सकते हो, जितनी भी सीजनल वेजिटेबल्स हैं विंटर्स में उनको ज़रूर करो। कोई भी आप रेसिपी बनाओ, कोई भी मील लो, ब्रेकफास्ट लो, लंच लो, डिनर हो, तीनों में आपके खूब सारी सब्जियां ऐड ऑन होनी चाहिए। अब आपको मैं ये बताती हूँ कि आप विंटर्स में ब्रेकफास्ट में क्या क्या ले सकते हो। आप उपमा बना के ले सकते हो, मेरा फेवरेट पोहा है, आप पोहा ले सकते हो, आप इडली ले सकते हो, आप चीला बना के ले सकते हो, आप ब्राउन ब्रेड का सैंडविच भी ले सकते हो, बट ट्राई करो उसको वंस अ वीक ही आप लो। अगर आप एग लवर हो या वेजिटेरियन हो तो आप ऑमलेट भी बना के ले सकते हो, बॉइल्ड एग भी ले सकते हो। सो ऐसे डेली डिफरेंट डिफरेंट ऑप्शंस को आप लोग ट्राई कर सकते हो। अगर आपको ब्रेकफास्ट के साथ टी लेने की हैबिट है तो उसमें अपने हर्ब्स एंड स्पाइसेस को ज़रूर ऐड ऑन करो, जो मैंने लास्ट वीडियो बनाया था मिल्क टी के रिगार्डिंग, कि ये चीज़ें आपकी चाय में ऐड ऑन होनी चाहिए अगर आप एक वेट लॉस भी करना चाहते हो और आप एक चाय भी नहीं छोड़ सकते हो तो। बिकॉज काफ़ी सारे सिटीज़ में विंटर्स बहुत ज़्यादा है और वहाँ पर लोग चाय के बिना नहीं रह पाते, बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं। सो आप अपनी चाय को ऐसे इंजॉय कर सकते हो, बट किसी भी मील के साथ, जैसे मैं हर बार बोलती हूँ, आपको चाय नहीं लेना होता है। जैसे आप ब्रेकफास्ट ले रहे हो उसके आधे घंटे के बाद अपने आप चाय ले सकते हो। 9 to 9:30 तक अपना ब्रेकफास्ट आप फिनिश कर दो, देन आपका आता है मिड मॉर्निंग का स्नैक 11:30 to 12 के इन बिटवीन। इन सब चीज़ों को फॉलो करना बहुत ज़रूरी होता है टाइमिंग्स के साथ, बिकॉज वो आपकी हेल्थ के लिए बहुत ज़रूरी है और आपका एक अच्छा सा शेड्यूल भी रेडी हो जाता है। और इस शेड्यूल को आपको खुद नहीं, अपने पूरी फैमिली को भी फॉलो करवाना चाहिए। एक दो दिन आपको ज़रूर मुश्किल लगता है, बट स्लोली स्लोली सब आपको हैबिट्स हो जाएंगी।
देन 11:30 टू 12 जो टाइमिंग होता है आपके टेरेस पे बहुत अच्छी धूप होती है अगर आप घर पे रहते हो तो ओके आप उस टाइम पे अपने मॉर्निंग जो फ्रूट्स होते हैं वो ले सकते हो जो आपके सीजनल फ्रूट्स हैं. अभी ऑरेंजेस अवेलेबल हैं, कस्टर्ड एप्पल है, सीताफल जिसको हम बोलते हैं, और भी बहुत सारे सीजनल फ्रूट्स अवेलेबल हैं. तो आप 1 या 2 वो सीजनल फ्रूट्स अपने डाइट में ज़रूर लें. विटामिन सी रिच होते हैं एंड आपकी स्किन के लिए, आपके हेयर्स के लिए और जितने भी सीजनल फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स हैं उनको अपनी डाइट में ज़रूर ऐड ऑन करो बिकॉज वो आपकी ओवरऑल हेल्थ के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है और हमारे ओवरऑल बॉडी के लिए भी हमें फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स खूब सारे चाहिए होते हैं. ओके सो उसके बाद आपको लेना होता है, 1 o'clock हमारा हो जाता है लंच का टाइम. सो लंच में आप लोग प्रॉपर रोटी सब्जी सब लेना चाहिए, उसमें भी आप अपना घी को ज़रूर ऐड ऑन करो. लंच में आप ले सकते हो 2 रोटी + सब्जी, जितने भी जैसे ग्रीन वेजिटेबल्स, गाजर, मटर, शलगम या और भी पालक की सब्जी, मेथी की सब्जी. सो इन सब चीज़ों को भी अपनी रूटीन में ऐड ऑन करो बिकॉज वो आपकी हेल्थ के लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल हैं. सब्जी ना खाने से या सब्जी खाने से आप लोग मोटे नहीं होंगे या इसको छोड़ने से पतले नहीं हो जाओगे. सब्जियां आपके आपको विटामिन्स, मिनरल्स एंड बहुत सारे और भी न्यूट्रिएंट्स देती हैं. सो सब्जियों को अपनी डाइट में ज़रूर ऐड ऑन करो. एंड उसके बाद वन मोर थिंग इज, अगर आप सब्जी ले रहे हो, एक छोटी कटोरी सब्जी लो, रोटी जैसे आप बना रहे हो तो रोटी आप ले सकते हो, जवार बाजरे की रोटी, मक्की की रोटी विंटर्स में ज़रूर लेनी चाहिए कर्ड के साथ. उसमें खूब सारी वेजिटेबल्स को डाल के आप लोग ज़रूर लो एंड उसके साथ एक कटोरी दही ले सकते हो बिकॉज दही जो होता है वो उसमें प्रोबायोटिक होता है जो कि आपके गट हेल्थ के लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल है. या फिर आप बटर मिल्क, इट्स मीन आप छाछ ले सकते हो जो कि आपके लिए बहुत ज़्यादा अच्छी है क्योंकि वो आपकी स्टमक की डाइजेशन की सारी प्रॉब्लम्स को दूर करती है. एंड रोटी हो गई, सब्जी हो गई एंड हमारा दही भी हो गया और साथ में एक प्रोटीन लेना बहुत ज़रूरी है. प्रोटीन में अगर आप वेजिटेरियन हो आप कोई भी दाल ले सकते हो 1 small कटोरी, ठीक है, या फिर आप ले सकते हो पनीर ले सकते हो, सोया ले सकते हो. अगर आपने राजमा या चने बनाया फिर आपको सब्जी लेने की ज़रूरत नहीं होती बिकॉज राजमा एंड चने भी हमारे एक प्रोटीन का सोर्स हैं. ओके उसमें काफ़ी सारी ऑलरेडी उसमें बहुत सारी चीज़ें पड़ जाती हैं, प्याज, टमाटर, अदरक, लहसुन एंड आप साथ में सैलड ले सकते हो. सो अपनी मील को आप ऐसे प्रिपेयर कर सकते हो. ओके सो उसके बाद जैसे कि मैंने बताया आपका एक प्रोटीन, वेजिटेबल, दही एंड रोटी, ये आपकी एड ऑन ज़रूर होने चाहिए. एंड आती है सैलेड की टर्न. सैलेड आप अपनी रोटी के साथ मत लो, आप उसके पहले आप ज़रूर लीजिए बिकॉज जो कच्ची सब्जियाँ होती हैं उसमें अलग न्यूट्रिएंट्स पाए जाते हैं एंड पक्की सब्जियों में अलग न्यूट्रिएंट्स पाए जाते हैं. सो आप सैलेड जो है 20 मिनट या 15 मिनट पहले लोगे तो ऑलरेडी आपका जो रोटी का कंजप्शन है वो भी कम हो जाएगा और आप अच्छे से वेट लॉस भी कर पाओगे. ओके सो आप अपनी रूटीन को ऐसे फॉलो कर सकते हो. अगर आप बटर मिल्क ले रहे हो, इट्स मीन छाछ ले रहे हो दही की जगह, तो आप खाने के 20 मिनट के बाद उसको लीजिए. एंड जैसे भी विंटर्स हैं तो मक्की की स्टफ्ड रोटी आप ले सकते हो, मेथी और बेसन का चीला बना सकते हो. सो ऐसे अलग अलग ऑप्शंस को आप ट्राई कीजिए जो कि आपके वेट लॉस में भी आपकी हेल्प करेंगे और इस लाइफस्टाइल को आप 1 महीने या 2 महीनों के लिए नहीं, बिकॉज जो डाइट होती है वो हमें 1 या 2 महीनों के लिए नहीं करनी होती, हमने उसको लाइफस्टाइल बनाना होता है. तो अगर आप ऐसे फॉलो करोगे तो आप कभी भी उस डाइट से तंग नहीं आओगे, इरिटेट नहीं होगे, आप उसको एंजॉय करोगे. सो ऐसी ही डाइट फॉलो करो जिसको आप अपने लाइफ टाइम तक भी मतलब फॉलो कर सको और आपको मुश्किल ना लगे. कभी कभी आपका रोटी खाने का मन नहीं है तो आप राइस के साथ राजमा भी ले सकते हो. आप 30% अपने राइस रखो एंड 70% अपने वेजिटेबल्स को ले लो, तो आप राइस पुलाव भी बना सकते हो. तो ऐसे डिफरेंट ऑप्शंस को आप ट्राई कर सकते हो. दलिया में खूब सारी वेजिटेबल्स डाल के आप लोग ले सकते हो. देन उसके बाद जैसे काफ़ी सारे लोगों को क्रेविंग्स होती हैं कि हम उसके बाद कुछ मीठा खाएं, तो मीठे में आप लोग थोड़ा सा जैगरी ले सकते हो या फिर आप 1 या 2 डेट्स का कंजप्शन कर सकते हो. डेट्स हमारी हेल्थ के लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल है, विंटर्स में लेना उसको बहुत अच्छा होता है. जो भी आप लड्डू बनाओ, पिन्नी बनाओ, उसमें जैगरी को यूज़ करो या फिर आप लोग डेट्स को यूज़ कर सकते हो बाइंडिंग के लिए. देन 4 o'clock मिड इवनिंग स्नैक का टाइम होता है, उसमें लोग टी लेते हैं. कुछ लोग टी जिनको पसंद नहीं है वो कॉफ़ी लेते हैं. जब भी अपनी टी और कॉफ़ी बनाओ उसमें 70% आप वाटर रखो, 30% आप उसमें मिल्क ऐड ऑन कर सकते हो.
चाय कॉफ़ी के साथ कभी भी बिस्किट नमकीन आपको नहीं लेने चाहिए, बिकॉज उसमें शुगरी शुगर लेवल्स में बहुत ज़्यादा होता है। आप अपने घर के बने हुए नमकीन ले सकते हो, आप पीनट्स ले सकते हो, आप चने ले सकते हो, घर की बनी आप बेलपुड़ी बना सकते हो जो आप घर पे अपने फ्रेश इंग्रेडिएंट से बनाओगे, आप रोस्टेड मखाना ले सकते हो, आप घर के बनाई हुई पिन्नी ले सकते हो, आप उसके बाद अपने घर के बनाए हुए ओट्स के बिस्किट ले सकते हो, ओट्स का चिवड़ा बना के ले सकते हो, पोहा बना के पोहे का चिवड़ा आप बना के ले सकते हो। उसमें आपको बहुत सारी ऑप्शंस एंड वराइटीज़ मिल सकती हैं। आप जैसे गुड़ के मखाने बनाओ बहुत टेस्टी बनते हैं, सो ऐसे बहुत सारी हेल्दीस्ट ऑप्शंस को आप चूज़ करो। आप जितना पैकेट खोलोगे उतना आप लोग अपना वेट बढ़ाओगे। इट्स में जितना मार्केट की बनी हुई चीज़ें लेके आओगे वो उतनी ही आपकी हेल्थ को नुकसान करेंगे। सो जितना हो सके अपने किचन के इंग्रेडिएंट्स को यूज़ करो। ट्राई करो हर्बल टी यूज़ करने का। अगर आपको ग्रीन टी पसंद नहीं है तो आप हर्बल टी लो। हर्बल टी में जैसे हम जिंजर की ट्री जिंजर डालते हैं, टर्मरिक डालते हैं, सिनेमन डालते हैं, अश्वगंधा डालते हैं, एंड उसमें घर के थोड़े बहुत इंग्रेडिएंट्स जैसे दालचीनी का पाउडर आप लोग डाल सकते हो, लेमन ग्रास डाल सकते हो, इलायची डाल सकते हो, उसको अच्छे से बॉईल करो, तुलसी डाल सकते हो, पुदीना डाल सकते हो, उसके अच्छे से आप टी बना सकते हो पानी में, उसको अच्छे से बॉईल करके एंड स्ट्रेन करके। मेरे फेसबुक चैनल पे भी उसकी एक रेसिपी है और फेसबुक पे भी है और यूट्यूब पे भी, आप दोनों पे चेक कर सकते हो हर्बल टी की रेसिपी, जो कि आपके वेट लॉस में आपकी बहुत ज़्यादा हेल्प करेगी। लास्ट में जब वो रेडी हो जाए उसको स्ट्रेन करके आप कंज्यूम करो एंड उसमें लेमन जूस को ऐड ऑन करो। आप एप्पल साइडर विनेगर वाटर ले सकते हो। आपको डिफरेंट डिफरेंट डिटॉक्स वाटर आप ट्राई कर सकते हो। काफ़ी सारे डिटॉक्स वाटर की मैंने रेसिपीज भी शेयर की हैं। ओके, सो आफ्टर दैट उसके बाद आता है हमारा इवनिंग का टाइम। इवनिंग में जैसे 6 o'clock तक आप ट्राई करो अपना डिटॉक्स वाटर, इवनिंग 6 o'clock तक फिनिश कर दो। उसके बाद आपको कोई भी डिटॉक्स वाटर कंज्यूम नहीं करना चाहिए, उसका आपको कोई भी बेनिफिट नहीं होगा, वो आपको नुकसान करेगा, आपको ब्लॉटिंग या कोई ना कोई प्रॉब्लम हो जाएगा। सो इस चीज़ का आपको बहुत ध्यान रखना है। काफ़ी सारे लोग ऐसा पूछते हैं मेरे से कि हम प्लास्टिक की या स्टील की बॉटल्स को यूज़ कर सकते हैं। नहीं, जब भी डिटॉक्स बनाओ ऑलवेज प्रेफर करो कांच का जग आपका होना चाहिए या कांच की बॉटल होनी चाहिए। कभी प्लास्टिक में आप मत बनाओ, नहीं तो मत पियो। आप 3 liter वाटर जो है वो ल्यूक वार्म ले सकते हो। अलग अलग डिटॉक्स ट्राई करो बट ऑलवेज प्रेफर करो, ग्लास की बॉटल इजिली अवेलेबल हो जाती है। ओके, सो आप ऐसा ट्राई कीजिए। देन उसके बाद आता है इवनिंग का टाइम 6 o'clock तक, जैसे 6 to 6:30 इफ़ यू फील हंग्री, अगर आपको भूख लग रही है तो आप 1 छोटी सी पलट आप सैलड की ले सकते हो। ओके, अगर आपको ज़्यादा भूख लग रही है तो आप सूप बना के ले लो। छोटी सी कटोरी वेजिटेबल्स का सूप है, टोमेटो सूप है, गाजर और बीटरूट का सूप है, ये सब आप ट्राई कर सकते हो। एंड उसके बाद हमारा आ जाता है, अभी जैसे दिन बहुत छोटे हैं तो हमारा डिनर भी है वो बहुत जल्दी हमें करना पड़ता है। 8 o'clock तक आप अपना डिनर फिनिश कर लो। अब डिनर में लाइट ऑप्शंस आप रख सकते हो, जैसे आप एक वेजिटेबल रोल, एक रोटी बनाओ और उसमें ग्रीन चटनी लगाओ, कच्चा प्याज लगाओ, पनीर और वेजिटेबल्स को सॉर्टेड करके उसमें डाल दो, ठीक है, तो आपका एक वेजिटेबल रोल रेडी हो जाता है। या फिर आप दाल का चीला बना के ले सकते हो, या फिर 1 रोटी प्लस सब्जी भी ले सकते हो, पालक पनीर की सब्जी। पालक हमारी वेजिटेबल हो गई एंड पनीर हमारा प्रोटीन हो गया। सो ऐसे आप अपने मील को डिवाइड कर सकते हो। कोई ऑप्शन नहीं है तो कुछ वेजिटेबल्स मिक्स बना लो और उसमें थोड़ा सा पनीर डाल दो। नॉन वेजिटेरियन हो तो चिकन ले सकते हो, घर का बनाया हुआ फिश ले सकते हो, या फिर अंडा ले सकते हो, एग्स ले सकते हो, जो कि आपकी हेल्थ के लिए बहुत ज्यादा अच्छे होते हैं। 1 full egg ले लो एंड 2 egg white ले लो, उसका सलाद आप बना सकते हो। पनीर एंड कॉर्न्स का सलाद बना सकते हो, कभी कभी चने का सलाद आप ले सकते हो। सो ऐसे डिफरेंट डिफरेंट ऑप्शंस को आप ट्राई कर सकते हो। नाइट में आप दाल राइस भी ले सकते हो, येलो दाल एंड राइस, बॉइल्ड दाल में पालक डाल के बॉइल्ड करके आप ले सकते हो। उसमें 1 spoon घी डालोगे तो आपको कोई भी नुकसान नहीं करेगा। विंटर्स में ऐसे अपने प्लान को डिवाइड करना, घी को ऐड ऑन करना बहुत ज़रूरी होता है। और रात को सोने से पहले आपको मिल्क ज़रूर लेना चाहिए विंटर्स में। कभी आप मखाना मिल्क ट्राई कर सकते हो, मखाना को रोस्ट किया और उसको ठंडा होने दिया और कुछ टाइफ्रेट्स को भी साथ में रोस्ट कर लो और उसका एक पाउडर बना लो। और जब भी मिल्क लेना है उस पाउडर को मिक्स करके आप पियो। एक तो आपके अंदर प्रोटीन भी जाएगा, आपके ड्राई फ्रूट सीड्स भी जाएंगे। ये मिल्क आप अपने बच्चों को भी दे सकते हो, बहुत टेस्टी बनता है। उसमें इलायची का फ्लेवर डाल सकते हो, अनस्वीटेंड आप कोकोआ पाउडर डाल सकते हो। सो ऐसे बहुत सारे फ्लेवर्स भी हैं जो कि डाइट के लिए स्पेशली बने होते हैं, वो भी ऐड ऑन कर सकते हो, जो कि आपके मिल्क को बहुत अच्छा फ्लेवर देंगे। कैरेट का मिल्क बना के अपने बच्चों को दे सकते हो आप। सो अपने बच्चों को भी हेल्दी दो, खुद भी हेल्दी लो। और जैसे कि 8 o'clock अगर आपने अपना डिनर कर लिया है तो 8:30 या 9 o'clock आप एक हर्बल टी या फिर इन्फ्यूज वाटर कंज्यूम कर सकते हो। जिंजर का पानी, सौंफ का पानी तो ऐसे लीजिए आप। और उसके बाद टाइम पे 10 to 10:30 आप सो जाओ तो आपका एक बहुत अच्छा शेड्यूल रेडी हो जाता है।
10 to 10:30 सोने का आपको बेनिफिट क्या मिलेगा? आप सुबह उतने ही जल्दी उठोगे, सुबह आप अपने लिए कुछ वर्कआउट कर पाओगे। आपके अगर आपको बहुत ठंडी लग रही है, बाहर नहीं जा रहे हो, तो घर पे कुछ एक्सरसाइज कर लो, या किसी भी टाइम आप कर सकते हो। ज़रूरी नहीं है आपको मॉर्निंग में ही करना होता है, लेकिन मॉर्निंग में हमारे अंदर एनर्जी बहुत ज़्यादा होती है, हम लोग एनर्जाइज फील करते हैं। आप नाइट में भी जा सकते हो, बट कुछ ना कुछ एक्टिविटी ज़रूर करो जो कि आपकी ओवरऑल हेल्थ के लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल है। सो ये रहा आपका विंटर का मील प्लान। ओके, सो अगर आपको और भी कुछ क्वेरीज हैं तो आप इस वीडियो के नीचे कमेंट कर सकते हो, मैं उसका डेफिनेटली रिप्लाई करूँगी। ओके, सो आई होप ये वीडियो आपके लिए बहुत बेनिफिशियल रही होगी। आप ऐसे ही अपनी रूटीन को फॉलो करो, ऐसी ही चीज़ों को ऐड ऑन करो। क्रैश डाइट हम करते हैं, लेकिन तब करते हैं जब हमारा वेट स्टक हो जाता है, हमारा वेट लॉस नहीं हो रहा होता, या हमारी बॉडी में बहुत ज़्यादा टॉक्सिन्स हैं, हमें बहुत ज़्यादा क्रेविंग्स हो रही है, वेट लॉस नहीं हो रहा है, हमारी भूख बढ़ती जा रही है, मेटाबॉलिज्म स्लो है। सो डिटॉक्स कर ज़रूर करो। काफ़ी सारे डिटॉक्स डाइट भी मैंने आपके साथ शेयर की हैं, तो उसमें से कोई भी वीक में एक या दो दिन डिटॉक्स ज़रूर करो, ताकि आपकी बॉडी अच्छे से क्लिनजिंग मोड पे आ जाए, आपकी बॉडी अच्छे से क्लीन हो सके। बिकॉज जैसे हमारे एटमोसफियर को क्लिनजिंग की ज़रूरत है, हमारी हर चीज़ को क्लिनजिंग की ज़रूरत है, वैसे हमारी बॉडी को भी क्लिनजिंग की ज़रूरत है। अगर आपसे क्लिनजिंग नहीं होता है, तो आप इंटरमिटेंट फास्टिंग भी कर सकते हो, वो सबसे अच्छा वे होता है आपकी बॉडी को क्लिनजिंग करने का। तो आप ऐसे डिफरेंट डिफरेंट चीज़ें ज़रूर ट्राई करो। एक ही चीज़ अपनी बॉडी को देते जाओगे तो वेट स्टक हो जाएगा एक दिन पे आके, वो कुछ लूज़ करेगा देन फिर स्टक हो जाएगा। सो ऐसे अपनी रूटीन को चेंज करते रहो, और ऐसी ही रूटीन को फॉलो करो जिसको आप लाइफ टाइम तक फॉलो कर पाओ। एक महीने के लिए नहीं कि आज प्लान लिया है सो इस मंथ में हम फॉलो करेंगे, नेक्स्ट मंथ नहीं। सो ये चीज़ों का आपको बहुत ध्यान रखना होता है। सो आई होप ये वीडियो आपके लिए बहुत बेनिफिशियल रही होगी, बहुत लंबी भी चली गई है। सो इसको लाइक भी करें एंड शेयर भी करें। कुछ भी क्वेरीज हो तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हो, मैं उसका रिप्लाई ज़रूर करूँगी। ओके, बाय बाय, टेक केयर।